बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर ऑफ क्लास 5 फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो एंड टुडे वी डिस्कस द टॉपिक अबाउट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान 1958। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, व्हाट इज़ मार्शल लॉ? वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इन पाकिस्तान 1958। फॉर व्हाट इज़ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ इज़ आ स्पेशल लॉ इन स्टेट वेयर द मिलिट्री टेक्स कंट्रोल ओवर द होल कंट्री और सम एरियाज ऑफ दैट कंट्री। मीन्स के मार्शल लॉ क्या होता है? सिंपली कि आर्मी मतलब फ़ौज जो है, मिलिट्री वगैरह, वो किसी भी मुल्क का इक्तदार को संभालती है तो उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। मतलब मार्शल लॉ एक ऐसा स्पेशल कानून है किसी भी रियासत का जिसमें मिलिट्री, आर्मी, फ़ौज जो है वो कंट्री के या तो होल कंट्री का इक्तदार संभाल लेती है या कंट्री के कुछ एरियाज का इक्तदार वो संभाल लेती है। नाउ पाकिस्तान के अंदर 4 टाइम मार्शल लॉ लगे गए। जो फर्स्ट मार्शल लॉ था वो 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज किया, मतलब आयद किया। दैन सेकेंड लॉ ऑफ मार्शल लॉ 1969 को जनरल याह्या खान ने मार्शल लॉ इम्पोस्ट किया। थर्ड मार्शल लॉ जो था वो पाकिस्तान के अंदर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने इम्पोस्ट किया, आयद किया। और फोर्थ मार्शल लॉ जो था वो 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ इम्पोस्ट किया। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट मार्शल लॉ, जो पहला मार्शल लॉ था जो 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने इम्पोज किया था। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लॉर्ड मार्शल लॉ, ठीक है। जो फर्स्ट मार्शल लॉ है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 में, ठीक है, 1958 को जो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 में जो आया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस आइन को मौतल करते हुए, ठीक है, मौतल मतलब मनसूख करते हुए, एब्रोगेट करते हुए कानून खान असम्बली तहलील कर दी, ठीक है। और उस टाइम पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे फ़िरोज़ खान, ठीक है। तो फिर फ़िरोज़ खान को गवर्नमेंट बरतर कर दी और मार्शल लॉ नाफिस कर दिया। तो उस टाइम पे जो हमारे फ़ौज के कमांडर थे, फ़ौज के कमांडर कौन थे? चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। और उसके 20 दिन बाद, ठीक है, यानी कि 7 अक्टूबर 1957 को जो मार्शल लॉ को आयद किया गया, उसके 20 दिन बाद मतलब 27 अक्टूबर 1958, ठीक है, 27 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा को उनके अहदे से हटा दिया गया। मतलब 27 अक्टूबर 1958, 20 दिन बाद सिकंदर मिर्ज़ा को उनके अहदे से हटा दिया गया। मतलब प्रेसिडेंट थे वो, उनको प्रेसिडेंट के अहदे से हटा दिया गया। तो जब सिकंदर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट के अहदे से हटे तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन बना? तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे सेम चीफ जनरल अयूब खान। ये जो थे पाकिस्तान के अब प्रेसिडेंट बन गए थे 1958 में, जब सिकंदर मिर्ज़ा को उनके अहदे से हटा दिया गया था। तो ये हमारा मार्शल लॉ का टॉपिक है। नाउ अब हम इसकी रीडिंग के थ्रू इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। मार्शल लॉ इन पाकिस्तान 1958, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 50। आफ्टर पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन पास करने के बाद द कंट्री, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 का। द कंट्री फॉर द चेंज ऑफ 5 प्राइम मिनिस्टर विद इन 2 ईयर्स। मुल्क ने 5 वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली को 2 साल में देखा। कि हमें ये पता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म था, ठीक है, वो या सदर था, वो 5 साल बाद चेंज होता था, लेकिन लोगों ने क्या देखा कि जो 5 साल में वज़ीर-ए-आज़म या सदर चेंज हो रहा है वो 2 साल में हो रहा है। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है, ये करेक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि इफ़ नॉट सिकंदर मिर्ज़ा, दिस इज़ सिकंदर मिर्ज़ा, डिसॉल्व्ड द नेशनल असेंबली ऑन अक्टूबर 7, 1958 एंड इम्पोस्ट मतलब आयद किया मार्शल लॉ। मतलब सिकंदर मिर्ज़ा ने, सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 17 अक्टूबर 1958 को
कौमी असेंबली तहलील करे, डिवॉल्व मतलब तहलील करना, नेशनल असेंबली मतलब कौमी असेंबली, कौमी असेंबली तहलील करी 7 अक्टूबर 1958 में और आयद कर दिया, इम्पोज मतलब आयद किया मार्शल लॉ। अयूब खान वाज मेड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और अयूब खान क्या बन गए, अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। अयूब खान फोर्स्ड इस्कंदर मिर्ज़ा टू स्टेप डाउन ऑन 27 अक्टूबर 1958। अयूब खान ने इस्कंदर मिर्ज़ा को 27 अक्टूबर 1958 को कदम जमाने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान रिमेंड द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान टिल 1969, और जो अयूब खान थे वो 1969 तक पाकिस्तान के सदर बने रहे। सो आवर मार्शल ऑफ टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। तो ये पाकिस्तान का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंड आया था जो 1962 में बनाया गया, और यू नो दैट द पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बना था। अब हम देखेंगे कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में क्या क्या चीज़ें मौजूद थे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान का पहला आइन, वो 7 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट हो गया था, मतलब मनसूख हो गया था और मार्शल लॉ लग गया था। और इसी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ इज़ अ स्पेशल ऑन स्टेट वेयर द मिलिट्री कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड ओवर द होल कंट्री सॉरी और सम एरियाज ऑफ दैट कंट्री, मतलब कि क्या, जिस पर फौज जो है वो कंट्री के ऊपर, मुल्क के ऊपर अपना इख्तदार पाले संभाल लेती है, या कुछ कंट्री के हिस्सों के ऊपर अपना इख्तदार संभाल लेती है, उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होकर मार्शल लॉ लग गया था, देन उसके बाद जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था वो 1900 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ गया था हमारा 1962 के अंदर, ठीक है। सो आई अगेन रिपीटेड के मार्शल लॉ की वजह से हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, मार्शल लॉ हमारे इस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया था 1958 में, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में, अब 1962 में जो हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया, तो जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 में, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जर्नल यहया खान ने बनाया था, इम्पोज किया था, ठीक है। तो अयूब खान ने सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया। तो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन में अयूब खान ने सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी भी आयद की थी। सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी में ये था कि उसमें इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और ये और सेकेंड चीज़ ये कि नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनी किस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनना शुरू हुई थी फेब्रवरी 1950 से, ठीक है। फेब्रवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, और उसके चेयरमैन बनाए गए जस्टिस शहाबुद्दीन को, ठीक है, जस्टिस शहाबुद्दीन को इसका चेयरमैन बनाया गया था। और अयूब खान ने जस्टिस शहाबुद्दीन को एक टास्क दिया कि वो पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और ऐसा बनाए जो लोगों के स्टैंडर्ड के मद्देनज़र हो, जिससे लोग इफ़ेक्ट हो सकें। तो जो हमारे जस्टिस चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन थे, उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी करी, और रिपोर्ट रेडी कब करी, मई 1961 में, और अयूब खान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया। जब 1956 में मई में ये रिपोर्ट हुई, तो अयूब खान ने 1 मार्च 1962 को ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया, मतलब जब पहले तो एक बार अनाउंस की गई थी, अनाउंस करने के बाद इलेक्शन हुए, ठीक है। इलेक्शन होने के बाद एट लास्ट 8 जून 1962 को ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अप्रूव कर दिया गया था। नौ, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था इसके फीचर्स की खसूसियात क्या हैं। तो जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आया, तो
पाकिस्तान का जो नेम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम, पाकिस्तान का नाम रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, लेकिन जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना गया तो इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक से रिप्लेस करके दी रिपब्लिक रख दिया गया। ठीक है, दी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। बट पब्लिक रिएक्शन की वजह से लोगों ने रिएक्शन किया कि इस्लामिक किस तरीके से हटाया गया, तो इस वजह से इसका अगेन नाम जो था वो इस्लामिक रिपब्लिक रख दिया गया। जो हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था, हम दोनों को कंपेयर करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो था हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर के थ्रू हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा था। बट ये जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो प्रेसिडेंटल है, वो प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो व्हाट इज प्रेसिडेंटल सिस्टम? द प्रेसिडेंटल इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, मीन्स के जो प्रेसिडेंटल में बैठेगा वो जो होगा उसे लोग मुंतखब करेंगे और वो लेजिस्लेचर मतलब मजलिस कानून का मेंबर नहीं होगा। और पार्लियामेंट्री में क्या था कि वो मजलिस कानून साज़ का मेंबर होगा। ठीक है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम वर्किंग देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा नहीं चल सका था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 को, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 में एब्रोगेट हो गया था, मनसूख हो गया था, और अयूब खान ने पावर हैंड ओवर कर दी थी। मतलब अयूब खान के पास पावर थी, वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, मतलब अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया था और अयूब खान ने पावर किसको दे दी थी? याया खान को। ठीक है, अयूब खान ने जो थी वो याया खान को पावर दे दी थी, हैंड ओवर कर दी थी, और याया खान जो थे वो पाकिस्तान के क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए थे। तो दिस इज़ अवर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी गो टू द बुक पेज नंबर 51 एंड स्टार्ट द रीडिंग। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 51, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। प्रेसिडेंट अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 1962। मतलब सदर अयूब खान ने 1962 में मुल्क के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक नया आइन मुतारिफ कराया। इट वाज़ प्रेसिडेंटल इन नेचर। वही वाली बात मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आइन है वो क्या है? प्रेसिडेंटल है, मतलब सदारती है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वर एबॉलिश्ड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस अहदे में वज़ीर आज़म का अहदा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो वज़ीर आज़म का अहदा था उसे अबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया गया इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन में। ऑल पावर फॉर गिविंग टू द प्रेसिडेंट। सारी पावर, सारी ताकत किसको दे दी गई? प्रेसिडेंट को, सदर को। वो ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट, सदर क्या था? वो हुकूमत के सरबरा होने के साथ साथ सब्र मुमलिकत भी हो गए। सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी वाज द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी जो मैं आपको पढ़ा बता चुकी हूँ वो भी इसका क्या था? हिस्सा था। किसका? इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, द रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड।